इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से ऑल ओवर कंट्री में, हमारी कंट्री में नहीं, बहुत सारी कंट्री में जो है लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल जितनी भी शॉप्स थी, हमारी इंडस्ट्रीज थी, हमारे स्कूल थे, सब कुछ क्या कर दिया गया है, स्टिल कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है थोड़े समय के लिए, ताकि हम कोविड-19 के ऊपर रोक लगा सके। क्योंकि एक ऐसी महामारी है जिसके कारण क्या है, काफ़ी जो कंट्रीज़ है वो मतलब मुसीबत में है। इसलिए जो CBSE की जो इंस्ट्रक्शन थी, उनके अकॉर्डिंग हमने जो है अपने घरों में ऑनलाइन जो है वीडियो बच्चों को भेज रहे हैं, ताकि बच्चे घर बैठ के अपनी अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर पाए। क्योंकि स्कूल, पता नहीं गवर्नमेंट के ऑर्डर तक कब तक स्कूल बंद रहेगा, तब तक हम ऑनलाइन जो है वीडियो बनाएंगे। तो आज जो मेरी वीडियो है वो है प्लस वन क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशंस वाई एंड हाउ। आपको मैं प्लस वन के स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, आपके पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स हैं प्लस वन में। फर्स्ट बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन एंड सेकेंड बुक आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। फर्स्ट बुक में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, अपने इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड बुक में हम पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप, एनालाइजिस, ये सारी चीज़ें हम सेकेंड बुक में पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपका, हम देखते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड पर, देखिए फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन की कंपोजिशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के परमानेंट मेंबर के बारे में, संविधान कैसे बना, किस तरह बना, उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जिसके ऊपर जो हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हम करेंगे कि मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संविधान। आप सभी को पता है कि जो हमारे देश का सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ। देखिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ लॉज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू डिवेल्प अ रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट व्हेन कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ आर्टिकल अबाउट द स्टेट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन रूप में है। सबको आपको बता दूँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो लिखित रूप में है। सेट ऑफ लॉज, वो एक क्या है, लॉज का सेट है, यानी कानूनों का एक संग्रह है। फंडामेंटल प्रिंसिपल टू डेवलप ए रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, यानी जो हमारा संविधान है वो सेट है रूल एंड रेगुलेशन का, फंडामेंटल प्रिंसिपल का, जिसके कारण क्या होता है, हमारे गवर्नमेंट और हमारे पीपल के बीच रिलेशन क्या होते हैं, डिवेल्प होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमारी इंडियन व्यवस्था चलती है। आगे लिखा है विच कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ आर्टिकल अबाउट द स्टेट, इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो इसमें जो आर्टिकल दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्टेट और हमारी कंट्री काम करती है। स्टॉप। कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रॉड मीनिंग पढ़ा था, ठीक है, जिन बच्चों को वो डिफिकल्ट लगेगा, सिंपल लैंग्वेज में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग बताया है। इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंट्री, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंट्री, यानी जो संविधान है उसमें क्या है, रूल एंड रेगुलेशन बताए गए हैं फॉर द कंट्री, यानी संविधान है उसमें देश का व्यवस्था, देश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, यानी कुछ नियम बनाए गए फॉर द कंट्री, ताकि हमारी कंट्री रन कर सके। आगे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इज दैट सुप्रीम लॉ, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, स्टेट से भी क्या है, सुप्रीम है, सर्वोच्च है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारे इंडिया का जो भी सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन करता है। यहाँ पर बेटा सुप्रीम का मतलब होगा, हम हिंदी में बोल सकते हैं, यहाँ पर इसका मतलब होता है सर्वोच्च, यानी जो सबसे ऊपर होता है, टॉप लेवल पे, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारा सिस्टम चलता है। पॉज। टाइम फॉर मेकिंग सेकेंड, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के सीक्वेंस बाई वन पॉइंट करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी हमने पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा या कितना टाइम पीरियड था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। सबसे पहले हमारा पॉइंट है टाइम फॉर मेकिंग, यहाँ पर मैं टाइम फॉर लिखूंगा, ये आपका आता है 2 year 2 year 11 month 18
डेज। देखिए ध्यान से कि टाइम फॉर मेकिंग 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ठीक है, 2 साल 11 महीने हमारे संविधान को बनने में लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड, कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड। अब हम यहां पर ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनके, कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड पहले हमने किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितना टाइम लगा था, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड यानी हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था, ठीक है, और इसको कब इंप्लीमेंट किया गया, कब पूरी तरह से इसको लागू किया गया। 26 नवंबर, ध्यान से देखना, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक है, जिसको इंप्लीमेंट कब किया गया, इंप्लीमेंट आपको सभी को पता है कि कब लागू किया गया, 26 जैन 1950 को उसको संविधान को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया। फिर से रिपीट करता हूँ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, ठीक है, इंप्लीमेंट कब किया गया, इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया। पॉज। नेक्स्ट हम करेंगे परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो परमानेंट चेयरमैन थे वो कौन थे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना, आपको वन वर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये आपके नोट्स के लिए नहीं, आपके वीडियो क्लिप के लिए नहीं है, आपके जब भी आप कहीं आफ्टर 12th के बाद कहीं भी जाओ, आपके लिए नॉलेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है, इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो ध्यान से देखना आपने। देखा है परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के परमानेंट चेयरमैन थे उनका नाम क्या था। देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आवर फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के परमानेंट चेयरमैन थे वो हमारे इंडिया के फर्स्ट जो राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको क्या बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी थी उनका परमानेंट मेंबर बनाया गया था। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपका एक था आपका परमानेंट, एक टेम्परेरी चेयरमैन, एक आपका टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था, फर्स्ट आपके चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बट वो परमानेंट थे। सेकंड जो टेम्परेरी, ठीक है, जो मतलब टेम्परेरी चेयरमैन थे वो आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा। आपको डिफरेंस करना है, ठीक है, गड़बड़ी मत करना, कई बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह सच्चिदानंद सिन्हा लिख देते हैं, सच्चिदानंद की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो परमानेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो टेम्परेरी चेयरमैन थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर इन ड्राफ्टिंग कमेटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रारूप था वो तैयार किया गया था। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके कितने मेंबर थे, हाउ मेनी मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप आंसर लिखोगे 389 जो मेंबर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना क्या दिया था, इंपॉर्टेंट जो योगदान दिया था, जहाँ वो पार्टिसिपेशन की थी। पॉज। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ अमेंडमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं, संशोधन यानी इसको हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में चेंजेस, ठीक है बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज बनता है उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री रन करती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन करना आना, ठीक है। अब देखिए हम अमेंडमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, व्हेन वी एड और एग्जिस्ट एनी थिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अमेंडमेंट, यानी जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करना होता है या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बाहर निकालना होता है, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, कुछ बाहर निकालनी पड़ती है, तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जाते हैं, इज कॉल्ड अमेंडमेंट्स। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम अमेंडमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जिनको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, कुछ चीज़ें द्वारा ऐड करनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सिर्फ जो है अमेंडमेंट्स के द्वारा ही क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चेंजेस लानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट देखिए आप,
नेक्स्ट आपका लिखा गया है कि जो अभी तक जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, आई थिंक वो 104 जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, मे बी 104 जो अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की गई हैं। आगे आपका पॉइंट आता है एलियन, ठीक है। एलियन में आपका नेक्स्ट आता है कि दोज पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम अदर कंट्री वर नाउन एज एलियन। एलियन का मतलब था कि जो पर्सन बाहर से हैं या किसी बाहर अदर कंट्री से रिलेशन रखते हैं या अदर कंट्री से हैं, उनको हम एलियन के नाम से जानते हैं। दोज पर्सन हु बिलोंग्स टू द अदर कंट्री वर नाउन एज एलियन। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आगे आएगा, आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे एलियन क्या होता है। एलियन वो पर्सन होता है जो दूसरी कंट्री से होते हैं, ठीक है। ये प्रेम्बल यानी इसको हिंदी में बोलेंगे प्रस्तावना। अब ध्यान सुनिएगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक आपका आता है प्रस्तावना, एक आपका आती है प्रेम्बल। प्रेम्बल को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, यानी प्रेम्बल प्रस्तावना। अब ध्यान सुनिएगा, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वो प्रेम्बल से होता है, ठीक है। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रेम्बल यानी प्रस्तावना, और प्रेम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोला जाता है, इंट्रोडक्शन भी बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा बेटा, हम जब भी कोई बुक स्टार्ट करते हैं, चाहे आप इंग्लिश की बुक देखिए, चाहे हिंदी की बुक देखिए, चाहे मैथ की बुक देखिए, आपका जो फर्स्ट पेज होता है वो कंटेंट से स्टार्ट होता है। मोस्टली देखना आप, हर बुक में जो शुरुआत होती है वो कंटेंट से होती है। तो आपकी बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं, किस पेज नंबर पर कौन सा चैप्टर है, वो आपका कंटेंट में लिखा होता है। उसी अनुसार हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेंट यानी प्रेम्बल से स्टार्ट होता है, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी जो हमें संविधान के बारे में है कि संविधान में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, वो थोड़ा सा जो नॉलेज है हमें वो प्रेम्बल से मिलता है। यानी प्रेम्बल को हम बोल सकते हैं, प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल इज द मिरर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम बोल सकते हैं कि जो हमारे संविधान की शुरुआत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बिगनिंग है, वो प्रेम्बल से स्टार्ट होती है। हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि संविधान का जो मुखड़ा है वो प्रेम्बल को बोला जाता है, ठीक है। मुखड़ा, संविधान का जो मुखड़ा है वो प्रेम्बल है, ठीक है। प्रेम्बल से ही हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेम्बल के नेचर, पढ़ेंगे कि प्रेम्बल का नेचर क्या है, ठीक है। देखिएगा, मैं आपको वन बाय वन पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट की एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए लिखा है नेचर ऑफ प्रेम्बल, यानी जो संविधान है, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, या इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल की जो नेचर है वो क्या है, देखिए आपका जो मेन हेडिंग है नेचर ऑफ प्रेम्बल, आपका बेटा फर्स्ट पॉइंट आता है सेकुलर स्टेट। हमारे प्रेम्बल में हमारी स्टेट को, यानी जहाँ बेटा एक स्टेट में, यहाँ पर लिखा है स्टेट, स्टेट को यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट ना समझिए। पर्टिकुलर स्टेट का मतलब है हमारी कंट्री, ठीक है, होल कंट्री, ठीक है। सेकुलर स्टेट, हमारे प्रेम्बल में जो स्टेट को यानी हमारी कंट्री को सेकुलर स्टेट बताया गया है। जो बच्चे 9th 10th में पढ़ के आए हैं, अभी प्लस वन में है, तो उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। सेकुलर यानी हमारा जो स्टेट है, हमारी जो इंडिया वो सेकुलर है। सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, यहाँ पर विदाउट एनी, ठीक है, बिना किसी रिलीजन के, यानी हर कोई, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई, हर पर्सन क्या है, एक समान है। हमारे इंडिया का कोई भी अपना धर्म नहीं है, यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, हमारा इंडिया है, उसका अपना कोई भी रिलीजन नहीं है। यानी हमारा जो इंडिया है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वो सारे धर्मों को क्या करती है, कबूल करती है, स्वीकार करती है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन गवर्नमेंट की नज़र में कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन छोटा या बड़ा नहीं है, ठीक है। सेकुलर स्टेट यानी हमारे इंडियन गवर्नमेंट में, हमारे इंडिया में, हमारी स्टेट में कोई भी पर्सन किसी भी तरह का धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म के साथ कोई भी ऊंच नीच नहीं की जाती। इसका मतलब है सेकुलर स्टेट, हमारा जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर स्टेट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक आप सभी को पता है कि हमारी जो स्टेट है वो क्या है, लोकतांत्रिक है। हमारा जो स्टेट है, हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार काम करती है। यहाँ पर क्या है, आपने पढ़ा होगा कि डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल टू द पीपल, ठीक है। लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चूज की गई गवर्नमेंट है। सिंपली सा पॉइंट है डेमोक्रेटिक स्टेट। हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, वो क्या, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। थर्ड पॉइंट देखिए,
सोशलिस्टिक स्टेट, यानी सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सारे जो पर्सन है वो इक्वल है, ठीक है, उनके भी जो जितने ऑल द मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल बाय द स्टेट, यानी जितने भी जो उत्पादन के साधन है, प्रोडक्शन के साधन है, ठीक है, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, सभी के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, सभी लोगों के बीच जो है इक्वलिटी रखी गई है, सोशलिस्ट यानी सोशलिस्टिक स्टेट, यानी सारे क्या है एक समान है। नेक्स्ट आपका था सवर्जन स्टेट, बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, सवर्जन स्टेट का मतलब क्या होता है, यानी हमारी जो मैं हिंदी में लिख देता हूं, यहां पर सवर्जन को बोलते हैं, हम बोल सकते हैं इंग्लिश में देखिए अथॉरिटी, और इसको हिंदी में बोलते हैं ठीक है, सवर्जन को हिंदी में बोलते हैं प्रभुसत्ता।